नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स द्वारा 9 लोगों को करीब 2.25 करोड़ की चपत लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ज्वेलर्स लक्ष्मी नारायण सराफा कारोबारी है। उसके संपर्क में मधुबन कॉलोनी में रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता आए थे। उन्होंने अपना एक प्लॉट बेचा था जिसके एवज में उन्हें 60 लाख रुपए मिले थे। ओम प्रकाश गुप्ता ने अपना करीब 2 किलो सोना और 10 लाख रुपए लक्ष्मी नारायण को यह सोच कर दिए थे कि वह उन्हें मुनाफा कमा कर देगा। लक्ष्मी नारायण ने भी ओम प्रकाश गुप्ता को भरोसा दिया था कि वह अपने संस्थान में उसका रुपया निवेश करके मोटा मुनाफा कमा कर देगा। लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स का सुंदरम ज्वेलरी के नाम से शोरूम है। यहीं पर वह अपने परिचित लोगों को व्यापार में पैसा निवेश कराकर मोटा मुनाफा कमा कर देने का भरोसा देता है। ओम प्रकाश गुप्ता के पुलिस में जाने के बाद 8 अन्य आवेदकों ने भी लक्ष्मी नारायण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इन लोगों को भी जालसाज लक्ष्मी नारायण सरकार ने झांसा दिया था कि वह उन्हें सराफा कारोबार में पार्टनर बनाकर अच्छा खासा लाभ दिलाएगा। लोगों ने शोरूम के मालिक की बातों में आकर उसे अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, लेकिन जब लोगों को पैसा नहीं मिला तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण से तकादा शुरू कर दिया। लक्ष्मी नारायण यह कारोबार 2013 से कर रहा था। 9 साल में उसने करीब 1.76 करोड़ की लोगों को चपत लगाई है। पुलिस ने ओम प्रकाश गुप्ता की शिकायत पर लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश। ओम प्रकाश गुप्ता मधुबन कॉलोनी निवासी छातीपुर के द्वारा कल रिपोर्ट की गई थी कि एक आवेदन दिया गया था। उसमें इस पर यह बताया गया कि चूंकि उसका एक प्लॉट था जो कि पत्नी का नाम था, उस प्लॉट को बेचकर और उससे जो पैसा कमाया गया, जो पैसा मिला उससे लगभग 60 लाख रुपये मिले थे, जिसकी कि उसने समय समय पर 2 किलो सोना और 10 लाख रुपये इसको जो सुंदरम ज्वेलर्स है उनको, जो उनके जो संचालक हैं उनको दिया गया था। और उसके द्वारा ये बताया गया था कि मैं इसको आगे चल के इसे जो मुनाफा होगा 50-50% होगा। उसके बाद फिर लगातार इससे पैसे मांगे गए, लेकिन वो टालता रहा। तब थाने पर आकर उसके द्वारा रिपोर्ट की गई। उसके साथ ही लगभग 8 आवेदक और आए हैं जिनके जिनसे भी उसके द्वारा पैसा लिया गया व्यापार चलाने के नाम पर, और व्यापार चलाने के नाम पर और प्रॉफिट देने के नाम पर कि हम तुम्हें इसमें पार्टनर बनाएंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांटेंगे, किसी से 26 लाख, किसी से 7 लाख, किसी से 10 लाख। इस तरह से उसके द्वारा 8 और 9 आवेदकों से 1.76 करोड़ की ठगी की गई है। और इसमें IPC सेक्शन 406, 409 और 420 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।